हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हमारा मन किया कुछ खाने का शाम को, तो कुछ मन है स्नैक्स में खाने का। इवनिंग टाइम हो रहा है, अराउंड 4 to 5, और कुछ इवनिंग स्नैक खाना है। तो मैंने सोचा आज कुछ सोयाबीन और पनीर के क्रंची स्नैक्स बनाए, जो कि बहुत डिलीशियस हो और इजी टू ईट भी हो और इजी टू मेक भी हो। ओके, सो हमें इसके लिए क्या चाहिए? सबसे पहले हमें चाहिए सोयाबीन। तो सोयाबीन मैंने कर लिया है बॉईल, उनको बॉईल करके अच्छे से वॉश कर लिया और उनका पानी मतलब फेंक दिया, और ये अच्छे सॉफ्ट हो रखे हैं। तो आपको इस कंडीशन में सोयाबीन को रख लेना है। दूसरी चीज, आपको चाहिए केलॉग्स का कॉम्प्लेक्स। आप कोई भी कॉम्प्लेक्स यूज कर सकते हैं, बट मैं ज्यादातर घर में कॉम्प्लेक्स रखती नहीं, तो मैंने सोचा मैं केलॉग्स का कॉम्प्लेक्स ट्राई करती हूँ। क्योंकि मुझे कॉर्नफ्लेक्स इसलिए चाहिए क्योंकि उसको क्रंची में ज्यादा अच्छा कर पाऊं बाइंडिंग के लिए। तो मैंने एक बाउल लिया है कॉर्नफ्लेक्स, और अगर आप लोग भी ज्यादा नहीं लेते तो छोटा सा पाउच ले लीजिए। उसमें इसमें अराउंड टू से थ्री बाउल तक कॉर्नफ्लेक्स होते हैं, और हमें इतना चाहिए नहीं, हमें एक से दो, एक बाउल ही बहुत है। तो आपको क्या करना है, इन कॉर्नफ्लेक्स को एक कटोरे में डाल के अगर आप इन्हें ऐसे ही छोटे छोटे पीसेस के फॉर्म पे हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इनको डाला, तो मसाले में कुछ ज्यादा नहीं है, मुझे चाहिए नमक, हल्दी, मिर्ची और काली मिर्च। सो काली मिर्च मेरे पास थी तो मैंने उनको थोड़ा सा क्रश कर लिया, ताकि काली मिर्च का फ्लेवर एक बहुत अच्छा होता है, और मिर्ची भी है पर काली मिर्च से एक अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। मिर्ची, अदरक, लहसुन और प्याज, तो ये चारों चीजों को मैं अभी मैंने एक रफली चॉप कर लिया है। मैं इसको अभी मिक्सी में ग्राइंड कर लूंगी, जिससे कि सारा का फ्लेवर मिक्स हो जाए। क्योंकि कोई भी आप स्नैक्स लेते हैं, उसमें अदरक लहसुन एक अच्छा रोल प्ले करते हैं, उसमें बहुत एग्जॉटिक सा टेस्ट आ जाता है। और मिर्ची भी, हरी मिर्ची भी है, लाल मिर्ची भी है, काली मिर्च भी है, तो ये स्पाइसी तो होने ही वाला है। पर मिर्ची आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, अगर आपको लगे आप कम स्पाइसी खाते हो आप 2-3 ले सकते हो। बाकी प्याज मैंने एक बड़ा वाला मीडियम साइज से, थोड़ा बड़ा जो प्याज होता है उसको कट कर लिया था। लहसुन मैंने 4 से 5 कलियां रखी हुई है, और अदरक का एक छोटा सा पीस काट रखा है। इन्हें मैं मिक्सी में ग्राइंड कर लूंगी। लहसुन, अदरक और प्याज, इन सबको मैंने ग्राइंड कर लिया है प्रॉपर अच्छे से, इस फॉर्म पे कर लिया है कि जिससे कि थोड़ा सा पानी डाला है, जिससे कि अच्छा ये पेस्ट फॉर्म पे हो जाए। अब इसमें अपने में मिलाऊंगी मैं सोयाबीन। सो जब मैं ये सोयाबीन जो मेरा बॉयल है इसमें मिलाऊंगी, तो ये भी एक तरह से ना पेस्ट टाइप का हो जाएगा। तो ये एक बार सोयाबीन डाल के इसको मैं चलाती हूँ। सो गाइस, देखिए मैंने इसको क्या किया, मैंने मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लिया। उसके बाद कुछ ये इस तरीके से है, हल्का सा मॉइस्चर है इसमें, बाकी ये ड्राई है। तो इसमें मैंने मिला दिया नमक, हल्दी, मिर्ची और काली मिर्च भी मैंने थोड़ी मिला दी थी, इफ अगर आपको पसंद है तो। बाकी हरी मिर्च इसमें ऑलरेडी है। इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आ रही है लहसुन, और जैसे हम पकौड़े कुछ बनाते हैं तो एक लहसुन और अदरक की खुशबू आती है ना, वो चीज आ रही है। तो एक बाउल में मैंने ये बेसन लिया है, तो बेसन क्या हेल्प करेगा, ये बाइंडिंग करने में हेल्प करेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा सोलो फ्राई करूंगी, मतलब ज्यादा एकदम डीप फ्राई नहीं करूंगी, थोड़ा सा फ्राई करूंगी। तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा बेसन मिला के ना इसको इस फॉर्म पे ले आती हूँ, जिससे कि थोड़ा सा स्टिक हो जाए। तो आपको क्या करना है, एक पेंसिल लेनी है और बेसन लेना है, और फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने क्या करा, जो भी मेरा एक बैटर पूरा तैयार हुआ था उसको मैंने थोड़े लंबे में कर आप एक पेंसिल की हेल्प से उसे, पेंसिल को ऐसे रखकर और साइड से हल्का हल्का प्रेस कर उसे इस फॉर्म पे तैयार कर लीजिए। और जो बेसन था वो मैंने थोड़ा सा मोल्ड अप कर दिया किसी किसी में। तो इस तरीके से मैंने अपने ये चाप का तैयार कर लिया है, जो मेरा सोयाबीन का था वो ऐसे फॉर्म पे तैयार हो गया। सो गाइज, मैंने क्या किया, मैंने कॉर्नफ्लेक्स को ये मिक्सी में थोड़ा सा चला लिया है, जिससे देख रहे हो आप एकदम पाउडरी फॉर्म पे हो गया है। आप थोड़ा ज्यादा अगर कॉर्नफ्लेक्स यूज करोगे तो ज्यादा क्रंची हो जाएगा, तो मैंने बस अभी इतना ही लिया है। अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं और एड ऑन कर लूंगी। ये एक बाउल कॉर्नफ्लेक्स था, जो कि पूरा हाफ इतना सा बना है बस क्रंची होने का, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। बाकी मैंने पनीर को ना ऐसे स्लाइस फॉर्म पे काट लिया है, लंबे लंबे में, और थोड़े से थिक काटना आप, जिससे कि ये इजी टू पिक हो, और मतलब वरना टूट जाते हैं पनीर, ऐसा हो जाता है। तो मैंने जितने भी मसाले थे, हल्दी, नमक, मिर्ची और ये आपका थोड़ा चाट मसाला भी एड ऑन करा है, उसमें मैंने डाल के पनीर को पूरे
चारों तरफ से देख रहे हैं आप कितनी अच्छे से मैंने इसको मसाले को ब्लेंड कर दिया है इसके अंदर, और ये जो पनीर है मसाला सिकुड़ रहा है, तो इसको रख देना है 5 मिनट के लिए साइड में ताकि अंदर तक फ्लेवर चले जाए मसालों का पनीर पे और काफी डिलीशियस लगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, अभी उसमें ऑयल मैं डालूंगी। और ये दूसरी तरफ मैंने पनीर में क्या करा है, पनीर को मैंने पहले बेसन से मोल्ड अप कर दिया पूरा, बेसन इस पे लगा दिया, उसके बाद जो कॉर्नफ्लेक्स था वो मैंने इस पे ऊपर से कर दिया। वो कॉर्नफ्लेक्स जो होगा, बेसन थोड़ा थिक था मेरा तो कॉर्नफ्लेक्स ड्राई था, तो दोनों अब मर्ज हो गया साथ में, तो इससे क्या होगा थोड़ा क्रंची बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसे डीप फ्राई करना है, तो मैं डीप फ्राई में लाना है। सो हमने क्या करा, हमने ये चाप को जो है हमारे ये सोयाबीन के चाप थे, इसको हमने चारों तरफ से रोटेट कर अच्छे से फ्राई कर रहे हैं, और साथ में हम पनीर भी डाल दिया है। पनीर को भी आपको चारों तरफ से रोटेट करके फ्राई करना है, गैस एकदम फुल नहीं करना, आपको मीडियम साइज के गैस में ही इसको पकाना है ताकि वो क्रंची जो है और ये अंदर तक पक जाए, इसलिए थोड़ा स्लो स्लो आंच पे इसको पकाना है। ठीक है, सो फ्रेंड्स मैंने उसे गोल्डन ब्राउन करने तक इसे पकाया था, उसके बाद अब इसे निकाल दिया है। आप देख सकते हैं ये चारों तरफ से सिका हुआ है और ये बहुत ज़्यादा क्रंची भी है, इसकी जो फॉर्म है बिल्कुल अच्छा हो गया है, और ये पनीर भी गोल्डन ब्राउन होने तक चारों तरफ से मैंने इसे पका दिया है। तो इसको हम एज अ स्नैक्स खा सकते हैं, इसको आप हरी चटनी के साथ, लाल चटनी के साथ, किसी के साथ भी प्रेफर कर सकते हैं। और अगर आपका चटनी बनाने का मन नहीं है तो आप केचप बना लीजिए, नहीं तो इमली की चटनी भी आजकल मार्केट में अवेलेबल है, आप उसके साथ भी इसे खा सकते हैं। ठीक है, तो आप भी मेरे घर में बनाइए और मुझे ज़रूर बताइए कि इसका टेस्ट कैसा है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इजी टू कुक करने के लिए सब बहुत इजीली घर में अवेलेबल रहता है, तो ये स्नैक आप बनाइए और मुझे कमेंट में बताइए कि कैसा टेस्ट है इसका।